हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्प लिमिटेड शेयर के बारे में, जिसका कि अभी आप प्राइस देख सकते हैं, ₹45.45 इसका प्राइस है। लास्ट शुक्रवार को जो है जब ये बंद हुआ है, क्लोज हुआ है, तो लगभग 4% ऊपर ये क्लोजिंग दी है इसने। अगर हम इसके अगर रिटर्न्स की बात करें तो इसके रिटर्न्स अभी नेगेटिव ही चल रहे हैं। एक महीने में इसने 12% नेगेटिव रिटर्न दिया है, 6 मंथ में ओनली 5% के रिटर्न दिए हैं, ईयर टिल डेट से 10% के रिटर्न दिए। अगर हम मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम इसने अभी तक 2017 से अभी तक -37% के रिटर्न दिए हैं नेगेटिव, मतलब अभी तक पैसा बना के नहीं दिया है इस शेयर ने जो है इन्वेस्टर्स को। तो अभी हम देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और उसका कारोबार कैसा है, क्या करती हैं, तो इन सब के बारे में भी एक बार जान लेते हैं। तो चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। जैसा कि अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं, आप देख सकते हैं मार्केट कैप जो है 9,008 करोड़ का है, एडवांस 74,223 करोड़ है, पी जो है 5 का है, प्राइस टू बुक एक से भी कम 0.68 का है, मतलब अंडर वैल्यूड कंपनी है बिल्कुल ही। ये डिविडेंड भी अच्छा खासा दे देती है ये। और प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा हाई है, 89% की प्रमोटर होल्डिंग है इनकी। प्रमोटर्स के जो हैं एक भी शेयर प्लेज नहीं है। और जैसे अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को अगर हम कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं, अगर मार्च 2020 और मार्च 2021 क्वार्टर वन में अगर आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो था 1,888 करोड़ था, और जबकि मार्च 2021 में जो है घट गया है, 1,759 करोड़ का हो गया है। अगर इनकम थोड़ी बढ़ी है इनकी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, 545 करोड़ था जो कि अभी 763 करोड़ हो गया है। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 440 करोड़ से जो है ये 526 करोड़ पे आ गए हैं, तो जो कि बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कंपनी के लिए। अब देख लेते हैं कंपनी का NSE पे कारोबार कैसा रहा शुक्रवार को। जैसा कि अगर आप देखें NSE पे वेबसाइट पर आ गए हैं, अगर हम देखें इसके कारोबार को तो आप देख सकते हैं टीटी ट्रेड हुई टोटल 26,18,225, डिलीवरेबल क्वांटिटी कितनी थी 11,56,853, परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी 44% की जो है, मतलब क्वांटिटी उठाई गई है, जो कि अच्छा खासा कारोबार हुआ है इसमें भी शुक्रवार को। तो NSE पे इनका कारोबार भी ज़बरदस्त रहा। तो अभी हम देखते हैं क्या इसकी न्यूज़ भी निकल कर आई थी OFS से रिलेटेड, तो वो न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। आप देख सकते हो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अनाउंस इन डेट इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूवल गिवन बाय अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑन 26 जुलाई को जो इनको अप्रूवल मिल गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रपोज ऑफर अप टू 80,07,600 इक्विटी शेयर्स जिसकी फेस वैल्यू है ₹10 की, और एलिजिबल टू द एलिजिबल एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी एट द मार्केट डिटरमेंट, मतलब ₹45 पर जो है इनका ऑफिस OFS आएगा इक्विटी शेयर पर जो है, और ऑफर फॉर सेल जो है ये जो 9 अगस्त को ओपन होगा 11 अगस्त को जो है ये क्लोज होगा। तो इनका जो है OFS के बाद जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही, इसमें इस अनाउंसमेंट के बाद जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही है। जैसे कि अभी देख सकते हैं इसमें तेज़ी आई थी अच्छी खासी, तो इसमें जो है ज़्यादा नहीं तो लेकिन इसमें 50 शेयर के या 100 शेयर के करीब इसमें उठा सकते हैं, जिसके अगर एक साल के लिए अगर आप होल्ड करें तो इसमें 20% तक का रिटर्न बन सकता है आपका। बाकी कंपनी के जो फंडामेंटल्स ठीक हैं, अभी OFS आएगा, OFS के बाद जो है इसमें करेक्शन भी संभव है, तो आप इसको जिनके पास शेयर है वो तो होल्ड कर सकते हैं, बाकी फ्रेश बाइंग भी आप सोच सकते हैं कर लेने के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं, 50-100 शेयर उससे ज़्यादा नहीं। तो ये मेरी सलाह है, बाकी आप अपने कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। अपने आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, वीडियोस देख के सिर्फ शेयर में इन्वेस्ट करना ये सही आइडिया नहीं है, तो इसीलिए जो है अपनी स्टडी ज़रूर करनी है और उसके बाद ही कोई फैसला लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, धन्यवाद।